क्या से कुछ नहीं दिया, कोई दवाई नहीं, रात को 1 बजे से, और मैं रात को तड़प तड़ा डॉक्टर बख्शी जो सीएम है वो जो है उसे 50 बार में गया, वर्दी में टहलता रहा घूमता रहा, लेकिन एक भी नहीं पिघला, उसे पानी तक नहीं दिया, वो प्यास ही तड़प तड़प के मर गई। ये जान लो कि ये कितने ये वीडियो बेगराजपुर मुजफ्फरनगर हॉस्पिटल की है। पहले लोग क्या करोगे, अब देख लो मुजफ्फरनगर की हालत क्या है, बेगराजपुर हॉस्पिटल की हालत क्या है। ये है 7850। अरे नोट भी लेके करो, ठीक तो करो यार। चंदोजी इनके साथ देखो क्या हालत हो रही है, ये खुद परेशान है, जब पुलिस प्रशासन ही परेशान है तो जनता का क्या होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, मैं इसलिए आया हूँ, दुखी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे ले लो जिसको चाहिए, हम तो गवाह है साथ में, हमारे साथ में ऐसा हुआ। देखो इनकी इनकी बिचारी छोटी सी बेटी है, बच्चों को क्या होगा, और छोटे बच्चे, और ये बेगराजपुर की हालत है। मैं डॉक्टर ब्रिगेडियर जी एस मनचंदा, प्रिंसिपल मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज से बोल रहा हूँ। ये एक जो वीडियो वायरल हुआ जा रहा है एक पुलिसकर्मी की वाइफ के बारे में, उसके बारे में एक स्पष्टीकरण देना चाहूँगा। ये एक पेशेंट रूपवती, वाइफ ऑफ भीकचंद, हमारे मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में 21/4/2021 को एडमिट हुई थी। ये एज अ केस ऑफ COVID-19 पॉजिटिव थी, और इनके साथ काफ़ी सारी कोमॉर्बिडिटीज़ भी थी, विच जो इस तरह प्रकार की हैं, बायलैटरल निमोनाइटिस, यानी कि दोनों फेफड़ों में इनकी सीवियर इन्फेक्शन थी, रेस्पिरेटरी फेलियर में थी, और इनको type 2 डायबिटीज मेलाइटिस और हाइपरटेंशन भी था। ये सभी बीमारियाँ काफ़ी सीवियर कोमॉर्बिडिटीज़ मानी जाती हैं कोविड के साथ में। इनको पूरा उपचार जैसे कि एक पेशेंट को मिलना चाहिए विथ डायबिटीज मेलाइटिस एंड हाइपरटेंशन, इंक्लूडिंग इंसुलिन दिया जा रहा था, और इनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, और अनफॉर्चुनेटली 22/4/2021 12:15 पर सुबह इनकी मौत हो गई। हमारे हिसाब से इनकी ट्रीटमेंट में कोई लापरवाही नहीं थी, इन्हें जो डाइट मिलती है उसके साथ साथ हम रोज़ हर मरीज़ को 5 लीटर बिस्लेरी पानी दिया जाता है, जो कि काफ़ी इस मात्रा में सफिशिएंट होता है, और इसके साथ साथ अगर किसी की और ज़रूरत होती है तो वो भी दिया जाता है। और डाइट में और इनके उपचार में किसी तरीके की लापरवाही नहीं थी, हमें पूरी सहानुभूति है भीकचंद जी से, जिनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, मगर इनकी हालात जो कंडीशन थी, मेडिकल कंडीशन थी, वो काफ़ी सीवियर थी, क्योंकि इनके साथ जो कोमॉर्बिडिटीज़ थी उसके साथ साथ कोविड में इनका जो आउटकम होता है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। तो हमें इतना ही कहना है कि इनकी ट्रीटमेंट में, देख रेख में कोई लापरवाही नहीं थी, और अनफॉर्चुनेटली इनकी मृत्यु हो गई।